हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 5 का, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा मैं इसको इंट्रो दूंगा। और हम लोग गिने चुने चार चीजों के बारे में समझेंगे जो अपने कोर्स में है, ठीक है? तो आओ देखते हैं क्या है एंजाइम्स। क्या होते हैं एंजाइम्स? एंजाइम्स आर प्रोटीन, है ना। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स पता ना क्या होती हैं? जो अमीनो एसिड की बनी हुई होती है, यानी कि सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, एक दो को छोड़ के, एक जिसमें आ गया नाम आ जाएगा अभी। तो यहां पर बात सीधी साफ है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जो एंजाइम्स होती हैं प्रोटीन की बनी हुई होती है, यानी कि समझ सकते हो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये किस तरह बिहेव करते हैं? कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल, बायो बायो मतलब जीवित, जीवित चीजों के अंदर कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कोई भी चीज जो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा दे, तो मैं कह सकता हूं इंक्रीजेस, सही से लिख दूं, ये सिंपली क्या करते हैं? इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी चीज जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगी वो क्या कहलाती है? कैटलिस्ट। और अगर कैटलिस्ट कहां हो? हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं बायो कैटालिस्ट। क्लियर है? कैटलिस्ट एक्सलरेट, ठीक है ना, गाड़ी एक्सलरेट करते हो, रफ्तार बढ़ाते हो, तो वही कह रहा है कैटलिस्ट एक्सलरेट केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में ऑल टाइम केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसको ये क्या कर रहा है? एक्सलरेट कर रहा है। फिर क्या कह रहा है? द मॉलिक्यूल अपॉन विच एंजाइम्स में एक्ट, यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एंजाइम्स एक्ट करता है, जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एंजाइम काम करेगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सट्रेट बोलते हैं। जनरल इंट्रो है ये, अगर याद नहीं भी होगा एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए, दो चार लाइनें, ठीक है ना, कई बार पूछ ली जाती हैं उसको, यानी कि एंजाइम्स जिनके ऊपर काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, ठीक है। एंड द एंजाइम कन्वर्ट्स द सबस्ट्रेट इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल नोन एज प्रोडक्ट। एंजाइम जिनके ऊपर काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। और ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि एंजाइम इन सबस्ट्रेट को तोड़ देता है अलग अलग प्रोडक्ट में, जिसमें उसको कन्वर्ट होना होता है। क्लियर है? ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म पता है ना, मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन हो रही है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कह रहा है ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि जितनी भी केमिकल प्रोसेस है इन द सेल, एक सेल के अंदर रिएक्शन होती है क्या? बॉडी के अंदर होने का मतलब आखिरकार रिएक्शन बॉडी के अंदर हो कहां रही है? सेल के अंदर। तो कह रहा है ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द सेल नीड, जरूरत है किसकी? एंजाइम की, एंजाइम के द्वारा की गई कैटलिस्ट की जरूरत है, इन ऑर्डर टू ऑकर एट रेट्स फास्ट इनफ टू सस्टेन लाइफ, ताकि इतना फास्ट रिएक्शन हो सके कि हम जिंदा रह सकें। हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, हम लोग एक बार खाना खा लेते हैं तो तुरंत दोपहर में भूख लगती है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। बिना एंजाइम के अगर हम लोग इमेजिन करें, जो सवेरे खाना खाया है दो तीन चार रोटियां, अगर एंजाइम ना हो हमारी बॉडी में, तो अगले 16 साल तक वो खाना पचेगा नहीं, पड़ा रहेगा पेट में, और 16 साल तक इतना सारा काम करना होता हम लोगों को, एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये एंजाइम इतना फास्ट प्रोसेस करवाते हैं, वो खाना फटाफट डाइजेस्ट होता है और उसके अंदर से एनर्जी निकल निकल के बाहर आती रहती है। बात समझ में आ रही है? गुड। द स्टडी ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। एंजाइम को स्टडी, जैसे बायोलॉजी, जीविक जैविक जीवित चीजों की स्टडी करते हैं तो उसको बायोलॉजी कहा जाता है। तो एंजाइम की स्टडी को क्या कहा जाता है? एंजाइमोलॉजी। एंजाइम्स आर नोन टू कैटलाइज मोर देन 5000 बायोकेमिकल रिएक्शन टाइप। लगभग हमारे बॉडी के अंदर जो है लगभग 5000 से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? ये कैटलाइज करते हैं। अदर बायोकैटलिस्ट आर, जो एंजाइम के अलावा, यानी कि प्रोटीन के अलावा अगर कोई कैटलिस्ट है तो वो आरएनए होता है, आरएनए का पार्टिकल होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? राइबोसाइम। यानी कि एंजाइम के अलावा अगर कोई क्या कर रहा है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, यानी कि आरएनए, या फिर ऐसा समझ लें आरएनए जब कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम कहते हैं, और ये प्रोटीन का बना हुआ नहीं होता है।
एंजाइम्स स्पेसिफिसिटी कम्स फ्रॉम देयर यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, एंजाइम का स्ट्रक्चर किसी उसको पता है? किसी को थोड़ा बहुत भी याद हो, 3D स्ट्रक्चर, ऐसे 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 गोल 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 गोल, याद आया कुछ? कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा हिंट मिली हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये जो यहाँ पॉकेट बन जाते हैं ना, ये जो यहाँ पॉकेट बन जा रहे हैं, देख रहे हो, इन्हीं पॉकेट ये गोल गोल जब इस तरह लिपटा रहता है तो ये खांचे से तैयार हो जाते हैं। इन खांचों में ये सबस्ट्रेट को फंसा लेता है ना, जिनके ऊपर एक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। इन सबस्ट्रेट को इन्हीं खांचों में फंसाता है और उनके ऊपर काम करता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये? 3D स्ट्रक्चर होता है। यही स्ट्रक्चर इसकी खासियत है। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये काम भी नहीं कर पाएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात। लाइक ऑल कैटलिस्ट, एंजाइम्स इंक्रीज द रिएक्शन रेट बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये कॉन्सेप्ट जिन लोगों को याद है तो अच्छी बात, जिन लोगों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, सिंपल से याद रखें। रिएक्शन कराने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को अगर इतनी चाहिए होती है तो एंजाइम इतनी कर देता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन हो सके। केमिकली एंजाइम्स आर लाइक एनी कैटलिस्ट एंड आर नॉट कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकली देखें, एंजाइम लाइक एनी कैटलिस्ट, यानी कि जैसे और कैटलिस्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन में, क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन को तेज कराएंगे, लेकिन खुद उस रिएक्शन में खपते नहीं है, मतलब उनका कंजप्शन नहीं होता है, बाद में एज इट इज पूरा कैटलिस्ट बाहर निकल आता है। तो एंजाइम की भी यही खासियत है हमारी बॉडी की, रिएक्शन को तेज करा करके फिर चुपचाप से बाहर निकल आएगा, तेज कराएगा बाहर निकल आएगा, यानी एंजाइम कभी रिएक्शन में उसकी खपत नहीं होती है और ना ही ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल चला गया इक्विलिब्रियम वाली बात, रिएक्शन की गति तो बढ़ा देगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। केवल याद रख लेना, याद रखना है तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं इसकी। ये डिटेल हो जाएगा बहुत ज्यादा, यहां समझना समझाना बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ये आगे आते हैं, एंजाइम एक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स। एंजाइम की एक्टिविटी प्रभावित हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है कुछ मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनहिबिटर्स। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर्स, जो रोक दें। इनहिबिटर्स आर द मॉलिक्यूल डेट डिक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी, एंड एक्टिवेटर जो एक्टिवेट करेंगे आर द मॉलिक्यूल डेट इंक्रीज द एक्टिविटी। ठीक है ना, जो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाएगा वो एक्टिवेटर, जो घटाएगा वो इनहिबिटर। मैनी थेरेप्यूटिक ड्रग्स एंड पॉइजन्स आर एंजाइम्स इनहिबिटर। हम लोग अपनी बॉडी में जो ड्रग्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं? कोई प्रोसेस हो रही है, मान लो कहीं पे प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे हैं, ठीक है ना, स्वेलिंग हो रही है, हमने दवा खाई, वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनना बंद हो जाएंगे। यानी कि एंजाइम उस, ये मेडिसिन क्या करती है? उस एंजाइम को जाकर रोक देती है जो रिएक्शन करवा रही होती है। बात समझ में आ रही है? तो मैनी थेरेप्यूटिक ड्रग एंड पॉइजन्स आर एंजाइम इनहिबिटर्स, एंड एंजाइम्स एक्टिविटी डिक्रीजेस मार्कली आउटसाइड द ऑप्टिमल टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। यानी कि जितना भी एंजाइम है वो हमारी बॉडी में अगर काम करना है उसको, तो लगभग 37 डिग्री पे ही वो काम करते हैं, उससे कम पे काम नहीं करेंगे, उससे ज्यादा पे काम नहीं करेंगे। कभी देखा है जब बुखार बहुत तेज होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, डॉक्टर जब 104 पहुंचता है कहता है नहला दो इसे बर्फ के पानी से या ठंडे पानी से। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा करता है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो एंजाइम जो होता है ना, ये डीनेचर्ड हो जाता है, कह लो कि खराब हो जाता है, और जैसे ही एंजाइम खराब होगा बॉडी के रिएक्शंस रुक जाएंगे। रिएक्शन जहां रुके वहां इंसान की डेथ। दिमाग में बहुत तेजी से रिएक्शन हो रहे हैं, अगर यहां पे एंजाइम मर गया और दिमाग के रिएक्शन रुक गए तो इंसान तुरंत कोमा में जाता है, तुरंत। इसीलिए बॉडी के टेम्परेचर को तुरंत डॉक्टर क्या करवाता है? लो करवाता है। तो बात समझ में आई? एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस मार्कली आउटसाइड द ऑप्टिमल टेम्परेचर। ऑप्टिमल मतलब सबसे अच्छे टेम्परेचर के इधर उधर अगर टेम्परेचर हुआ तो उसका जो काम है वो गिर जाएगी, उसकी एक्टिविटी गिर जाएगी। चाहे टेम्परेचर हो चाहे पीएच हो, इसके जो मेन उनका होता है कैटेगरी, उसके इधर उधर अगर हो गया टेम्परेचर या पीएच तो इसकी एक्टिविटी गिर जाएगी। ओके, एंड मैनी एंजाइम्स आर परमानेंटली डीनेचर्ड। डीनेचर्ड का मतलब होता क्या है? मैं बता दूं, डीनेचर्ड इसको हम कह सकते थे कि फिनिश हो गए, मर गए, डेथ हो गए। डीनेचर्ड का मतलब क्या होता है? ये एंजाइम ऐसा है ना, इसका एक छोर पकड़ो और इसको खोल दो, ऐसा सीधा हो गया एंजाइम। एंजाइम अगर सीधा हो गया तो ये पॉकेट्स खत्म हो गए, ये देख लो बीच में खांचे हैं, खत्म हो गए। खांचे नहीं रहेंगे तो सबस्ट्रेट जो था वो कहाँ फंसेगा? सबस्ट्रेट फंसने की जगह बची नहीं तो ये काम नहीं करेंगे। तो ये जो स्टेट हो गया, ये इसी को कहा जाता है कि ये क्या हो गया? डीनेचर्ड हो गया। क्या हो गया? डीनेचर्ड। व्हेन एक्सपोज टू, कब हो जाते हैं ये? अगर उसको बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाए
ठीक है, लूजिंग देयर स्ट्रक्चर एंड कैटलिटिक प्रॉपर्टी, अपना स्ट्रक्चर खो देता है, वो ऐसा स्ट्रक्चर था ऐसे से ऐसा हो गया और अपनी कैटलिटिक प्रॉपर्टी भी खो देता है। अब देखो अंडे में क्या होता है, प्रोटीन नॉर्मली लिक्विड ऐसा होता है, बॉयल कर दो तो टाइट हो जाता है, वो अपना स्ट्रक्चर खो चुका होता है, ठीक है ना, उसके प्रोटीन होते हैं वो टूट करके स्टेट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है, चलें आगे। तो देखते हैं आगे क्या है, आगे आता है हमारे पास पपाया, पहला एंजाइम। पपीता सबने देखा होगा, देखा है ना, ठीक है, ऐसा कट मार दो कच्चा पपीता होता है, उसमें दूध जैसी एक चीज निकलती है, क्लियर है, बस इसी के अंदर पाया जाता है हमारा ये पपाया जो पहला एंजाइम है। आओ देखें पपाया का एक और नाम क्या है, पपाइन, पपाया ऑल्सो कॉल्ड पपाइन, जो एंजाइम हम पपाया पपाया बोलते हैं उसका एक और नाम क्या है, पपाइन है। पपाइन इज प्रोटियोलाइटिक, देखो लाइटिक लिख लो शब्द कहीं पर अगर आ जाए, लाइटिक या लाइसिस, लाइसिस या लाइटिक मतलब टूटना या तोड़ना, इसका मतलब क्या हो गया, तोड़ना, और आगे क्या लगा हुआ है, प्रोटियो, तो प्रोटीन को तोड़ने वाला, प्रोटीन को तोड़ने वाला उसको हम लोग क्या कहते हैं, पपाइन। पपाइन इज ए प्रोटीन, या अगर प्रोटीलिटिक भूल जाओ दिमाग में याद है प्रोटीन को तोड़ता है, तो मैंने फिर कहा था लकीर का फकीर नहीं बनना, तुमको याद है कि प्रोटीन को तोड़ता है, तो सीधा लिखो पपाइन ब्रेक प्रोटीन, ऐसे लिख दो, ठीक है ना, ये टर्म याद नहीं है तो ओके। प्रोटीलिटिक एंजाइम है, एंजाइम को प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है, एक्सट्रैक्टेड निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, लिख लो इसकी हिंदी, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, किसी चीज से निकालना, फ्रॉम द रॉ, रॉ मतलब कच्चा फ्रूट ऑफ द पपाया, पपाया जो पपीता है, पपाया इंग्लिश में पपीता को पपाया कहते हैं, रॉ मतलब कच्चा, इसे कच्चे फ्रूट से इसको निकाला जाता है, ठीक है। प्रोटीलिटिक एंजाइम हेल्प ब्रेक प्रोटीन इंटू स्मॉलर प्रोटीन फ्रेगमेंट कॉल पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड, अच्छा इसका काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ देगा और छोटे 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 जो प्रोटीन के पार्ट होते हैं जिनको हम पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड बोलते हैं उनमें उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सिनोनिम की बात करें तो वेजिटेबल पेप्सिन या पपायोटिन या ट्रोम्सिन के नाम से ये जाने जाते हैं सिनोनिम में। बायोलॉजिकल सोर्स पता ही चल गया है, किससे, पपीता से निकाला जाता है, अच्छा पपीता का नाम क्या है, ऑप्टेन फ्रॉम द लेटेक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं, रिजाइन नहीं है, रेजिन, रिजाइन नहीं, सॉरी रेजिन, रेजिन नहीं है, लेटेक्स है ना, दूध जैसी कोई चीज निकलती है तो याद कर लो, दूध जैसी कोई चीज निकलेगी तो उसे हम लोग लेटेक्स बोलते हैं। ऑफ अनराइप, अनराइप मतलब जो पका हुआ नहीं होता, फ्रूट एंड लीफ, पत्तों से भी, यहाँ फ्रूट दिखाया मैंने, पत्तों से भी कट मारेंगे उसमें से भी दूध जैसा निकलता है, तो ये फ्रूट और लीफ दोनों में से निकाला जा सकता है। और इस पपाया का बॉटनिकल नेम क्या है, कैरिका पपाया, लिन मतलब लाइनस, ठीक है ना, कैरिका पपाया, लिन ऑफ फैमिली कैरी केसी, फैमिली कैरी केसी। केमिकल कंस्टेंट की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है क्या क्या पाया जाएगा, पपाइन, काइमोपपाइन, पॉलीपेप्टाइड और अमाइड। अब ये प्रोटीन है ना, प्रोटीन के अंदर अमाइड और पॉलीपेप्टाइड तो होते ही होते हैं, पपाइन और काइमोपपाइन ये तुम लोगों को क्या करना है, याद रखने हैं। थेरेप्यूटिक यूज की बात करें तो काफी सारे यूज हैं इसके, पेन एंड स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन में, फ्लूड रिटेंशन, बॉडी में अगर फ्लूड रुक जाता है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है तो काम आता है। डाइजेस्टिव एड मतलब सहायक, डाइजेशन में हेल्पिंग करता है, प्रोटीन तोड़ने में हेल्प करता है, कई बार हमारे जो खाना पचाने वाले जो क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं वो अच्छे से नहीं निकल रहे होते हैं तो पपाइन को दिया जाता है। ट्रीटिंग पैरासिटिक वॉर्म है ना, जो वॉर्म्स होते हैं पेट के अंदर उसको ट्रीट करने में यूज होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट एंड फेरिंग्स, जो गले का इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है उसको भी ठीक करता है। डायरिया में भी काम आता है, हे फीवर में भी काम आता है, नाक चल रही हो बह रही हो ठीक है उससे भी काम आता है। स्किन कंडीशन कॉल्ड सोरियासिस, सोरियासिस है ना चकत्ते जैसे लाल लाल पड़ जाते हैं, दिखा चुका है पहले में, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है, ओके चलो आगे। डायस्टेस, तो आओ देखें डायस्टेस क्या है। तो डायस्टेस की बात करें तो कह रहा है डायस्टेस ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायस्टेसिस विच इंप्लाइज सेपरेशन, इसका मतलब क्या है, सेपरेशन, डायस्टेस मतलब जो सेपरेट करेगा, अलग अलग करेगा, क्या सेपरेट कर रहा है, क्या अलग अलग कर रहा है, आओ देखें। डायस्टेस इज एंजाइम फाउंड इन माल्ट, माल्ट क्या होता है, माल्ट देखो बच्चों क्या होता है, अच्छा मैंने माल्ट का पिक्चर यहां पर शायद नहीं डाला, कोई बात नहीं, अब ऐसे समझो चना जौ, ठीक है चने को, चने से समझते हैं, चना
चने को अंकुरित करो, ठीक है ना। अंकुरित होने के बाद उसको हीट करके सुखा दो। फिर होता क्या है, वो जो कंडीशन तैयार हो जाती है ना, उसके अंदर एक खास तरह का केमिकल तैयार होता है जिसे हम माल्ट कहते हैं, या कई बार उसी अंकुरित चने को हम स्प्राउट कहते हैं वैसे तो, लेकिन प्रोसेस क्या होती है, जैसे अंकुरित होते हैं उसके बाद उसे 60 या 70 डिग्री पर हीट करके उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है। अगर तुम एक नॉर्मल चने को जो स्प्राउट निकल चुका छोड़ दोगे तो वो बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन हमने क्या किया, जैसे ही उसमें अंकुरित हुआ हमने उसे 60 से 70 डिग्री पर हीट कर दिया एकदम से, है ना, हीट मारा, उसकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक गई। उस समय उसके अंदर जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माल्ट। क्या बोलते हैं, माल्ट, है ना। दारू बनाने वाली फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम फाउंड कहाँ फाउंड होता है, माल्ट में, प्रोड्यूस ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। कब प्रोड्यूस होता है, जब सीड जर्मिनेट हो रहा हो, ग्रो हो रहा हो। क्लियर है। इट इज इफेक्टिव इन कन्वर्टिंग स्टार्च। ये इफेक्टिव है, या ऐसा कह लो, मैंने क्या कहा, लकीर का फकीर नहीं बनना है, ऐसे लिख लो, इट कन्वर्ट स्टार्च इंटू माल्टोज। खेल खत्म। इट कन्वर्ट स्टार्च इंटू माल्टोज, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। एंड इवेंचुअली, अंततः, इवेंचुअली मतलब अंततः, ट्रांसफॉर्म इंटू सुगर, यानी कि स्टार्च को पहले माल्टोज में, माल्टोज को फाइनली सुगर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि तोड़ देता है फाइनली ग्लूकोज में अंदर। सिनोनिम की बात करें तो इसे अमाइलेज भी बोलते हैं, सेलेवरी डाइजेस्टेज भी कहते हैं, और माल्ट डाइजेस्टेज भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स समझ में आ ही गया है, कहाँ से होता है, ड्राइड, मैंने कहा ना, ड्राइड जर्मिनेटेड, जो जर्मिनेट हो गया सुखा दिए गए हैं। बार्ले ग्रेन, जनरली बार्ले का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उसका नाम क्या, होडियम वल्गियर, और फैमिली क्या है, पोएसी। क्लियर है। केमिकल कंसिस्टेंट की बात करें, माल्ट कंटेन डेक्सट्रिन, माल्टोज, ग्लूकोज, डाइजेस्टेज, अब ये कॉमन चीज है, माल्टोज, ग्लूकोज, डाइजेस्टेज, ये सब पाए जाते हैं इसके अंदर। थेरेप्यूटिक यूज की बात करें तो ये एज अ डाइजेस्टेंट सबसे बड़ा यूज यही है। एंजाइम का काम क्या होगा, हमारे खाना पचाने में हेल्प करते हैं। तो डाइजेस्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ प्री डाइजेस्टेड स्टार्ची फूड, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू फर्मेंटेबल सुगर। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फर्मेंटेबल सुगर को, इन फर्मेंटेशन एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री, यानी कि सिंपल सा लिख सकते हो, इसका इस्तेमाल कहाँ है, ब्रूइंग। ब्रूइंग मतलब दारू बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है वहां पर, तो ब्रूइंग इंडस्ट्री लिख सकते हो, छोड़ सकते हो इतना लिख के, डाइजेस्टेंट खास इसके यूज नहीं है। तो डाइजेशन, यानी कि हमारे डाइजेशन सबसे ज्यादा ये हेल्प करता है, लिख सकते हो डाइजेस्टेंट इन ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन, एक ऐड कर सकते हो इस तरीके से, अगर तीन चार बनाना चाहते हो तो। क्लियर है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट आता है पेंक्रियाटिन। देखो पेंक्रियास, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिन, तो ये वर्ड कोरिलेट हो गया हमारे पास, ठीक है ना। पेंक्रियास से क्या बना, पेंक्रियाटिन। तो देखो जरा क्या है, पेंक्रियाटिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी एक क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम ही है, कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम का कॉम्बिनेशन है। दीज एंजाइम्स आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द पेंक्रियास, पेंक्रियास के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिंग फैट, प्रोटीन्स एंड सुगर। क्यों इंपॉर्टेंट है, फैट को, प्रोटीन को और सुगर को डाइजेस्ट करने के लिए। पेंक्रियाटिन इज यूज टू रिप्लेस, इसका इस्तेमाल होता है, पेंक्रियाटिन इज यूज टू रिप्लेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हेन द बॉडी डज नॉट हैव इनफ ऑफ इट्स ओन। बॉडी के जब पास, व्हेन द बॉडी, बॉडी डज नॉट हैव, हमारी बॉडी के पास इनफ, उतने एंजाइम नहीं है, उतना नहीं है कि वो खाना पचाने में सहायक हो सके, तब हम इसको पेंक्रियाटिन का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है। सर्टन मेडिकल कंडीशन कैन कॉज दिस लैक, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी मेडिकल कंडीशन है जब ऐसा हो जाता है कि पेंक्रियाटिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। कौन कौन सी बीमारियां हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पेंक्रियाटाइटिस, यानी कि पेंक्रियास में क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, सिस्टिक गांठ जैसी चीज आ जाए, पेंक्रियाटिक कैंसर हो जाए, पेंक्रियास सर्जरी हो जाए, तो उस केस में इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और तब हम लोग इसको एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। पेंक्रियाटिन में आल्सो यूज टू ट्रीट कंडीशन कॉल्ड स्टीयरोइडिया, यानी कि लूज फैटी स्टूल, ठीक है ना, इस कंडीशन को भी ठीक करने में यूज होता है। सिनोनिम की बात करें, डाइजेस्टेस वीरा, पेंड्रोटेनन और जैपनार, ठीक है, कोई दो याद कर लेना। बायोलॉजिकल सोर्स समझ में आ ही गया, कहां से आ रहा है, पेंक्रियास से। पेंक्रियास के अंदर खास सेल पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन सेल, कौन से सेल, एक्सोक्राइन सेल ऑफ पेंक्रियास, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इंसान की बॉडी से तो निकाल नहीं जाएंगे, किससे निकाल रहे हैं, पिग भाई, पेंक्रियास निकाल के जब अंदर से निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इंसान का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, मर जाएगा आदमी। तो पिग या हॉग कहा जा रहा है, सुस स्क्रोफा जो इसका साइंटिफिक नेम है, और फैमिली स्वीडी, या पेंक्रियास ऑफ बॉस टॉरस ऑक्स,
या काफ, है ना, इनके पेंक्रियास इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? बोविडी को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं? बोविडी को। केमिकल कंसिस्टेंट की बात करें, इट कंटेन अमाइलेज, ठीक है, लाइपेज और प्रोटीज। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज फैट को, और प्रोटीज प्रोटीन को तोड़ता है। ये तीनों इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि पेंक्रियाटिन के अंदर क्षमता होती है तीनों टाइप के न्यूट्रिएंट्स। तीन बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इन तीनों को ब्रेक करने की उसके अंदर क्या है, क्षमता मौजूद है। आगे देखें, थेराबेटिक एफिकेसी। इट इज यूज वेन पेंक्रियास कैनॉट मेक और डज नॉट रिलीज इनफ डाइजेस्टिव एंजाइम इन टू द गट टू डाइजेस्ट द फूड। तो कब इस्तेमाल होगा? जाहिर सी बात है, जब हमारी पेंक्रियास सक्षम नहीं है पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस मतलब लिक्विड, उस लिक्विड की बात हो रही है जो डाइजेशन में हेल्प करती है, तो उसको बोला जाता है पेंक्रियाटिक जूस। क्लियर है? जब वो पेंक्रियास पूरी तरीके से नहीं निकल रहा है हमारी बॉडी से, तब हम इसको एडिशनली एज ए मेडिसिन के तौर पर लेते हैं। क्लियर है? देन द लास्ट वन इज ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक पता ना, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो ये यूकैरियोट्स है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आंखों से दिखाई नहीं देंगे, मेंबर ऑफ द फंगस किंगडम। किसके हैं? ईस्ट कहां किस में पाए जाते हैं? फंगस। अब देखो कितनी सारी बातें पता चलेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, सिंगल सेल है, तो मैंने क्या कहा, लकीर का फकीर नहीं बनना, कुछ याद ना रहा, ईस्ट इज अ फंगस ऐसा लिख दो, ठीक है ना, तो लाइन बननी चाहिए हमारी। ओके, द ईस्ट स्पीसीज सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, ये याद कर लेना है, ईस्ट की सबसे खास स्पीसीज यही है जो हमारे काम में आएगी। कन्वर्ट करती है ये कार्बोहाइड्रेट को टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल थ्रू द प्रोसेस फर्मेंटेशन, यानी कि किसी चीज को सड़ाना है, गलाना। तो ये जो होती है ईस्ट, ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्टार्च कह लो या कार्बोहाइड्रेट कह लो इसको, ठीक है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में बदल रही है, और यही अल्कोहल हम लोग क्या करते हैं, दारू वाली फैक्ट्री में इसको निकाल लिया जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन हैव बीन यूज्ड इन बेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब बेवरेजेस किसे कहते हैं, पानी को छोड़कर जितना भी ड्रिंक होता है सबको बेवरेजेस कहा जाता है, ठीक है, पानी को छोड़कर जितने भी ड्रिंक है उन सबको क्या कहा जाता है, बेवरेजेस कहा जाता है। तो बेकिंग यानी केक वेक की जो इंडस्ट्री होती है, प्लस जो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल यानी कि दारू बनाने का जो काम है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। ओके, अदर स्पीसीज ऑफ ईस्ट, ईस्ट की अगर हम अदर स्पीसीज की बात करें, सच एज कैंडिडा एल्बिकन्स आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस एंड कैन कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। ये बड़ी अच्छी बात है, ईस्ट इससे हमें हेल्प मिल रही है, लेकिन ईस्ट की एक और वो है कैंडिडा एल्बिकन्स, ये हमारे लिए हार्मफुल भी है, नुकसान करती है, इन्फेक्शन पैदा करती है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ईस्ट हैव रिसेंटली बीन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बताओ ईस्ट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है रिसेंटली, ऐसे मतलब वो नहीं है, मतलब चल रहा है काम। इन माइक्रोबियल फ्यूल सेल, माइक्रोबियल फ्यूल सेल, अब सर्च करना जिन लोगों को और डिटेल जानना है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल, सेल जिसके अंदर माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो रहा है, सेल जिसके अंदर माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो रहा है, एंड टू प्रोड्यूस इथेनॉल फॉर द बायोफ्यूल इंडस्ट्री। मतलब अल्टीमेटली है क्या, ये क्या जनरेट करेंगे, अल्कोहल जनरेट करेंगे, और वो अल्कोहल एज अ फ्यूल हमारे काम में आएगा। अब ये तो पता ही है तुम लोगों को, पानी के अलावा कई जगह ये दावेदारी है कि अल्कोहल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंजन वगैरह कई चीज चला सकते हैं, ठीक है ना। और अल्टीमेटली रिसर्च किस पे चल रही है आजकल, पानी से हाइड्रोजन को अलग करके उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए, और जिस दिन ऐसा हो गया फिर तो मजे आ जाएंगे। सिनोनिम ब्रिवर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट। बेकर्स केक बनाने वाले, ब्रिवर्स अल्कोहल वगैरह दारू बनाने वाले, तो उसकी ईस्ट कहा जाता है कि अच्छा ये उनकी ईस्ट है। बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज यूनिसेलुलर सिंगल सेल होती है, फंगल है, माइक्रोजन सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस वगैरह नाम है। फैमिली क्या है इसकी, सैक्रोमाइसी, सैक्रोमाइसीटेसी, माइसेटा सी, माइसेट ए सी, ठीक है ना, सैक्रोमाइसीटेसी। केमिकल कंसिस्टेंट की बात करें तो ज्यादातर इसके अंदर विटामिन्स पाए जाते हैं, थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, फॉलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड और बायोटिन। ये बड़े कॉमन से जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होती है ये, और कई सारी चीज़ों से हमको बचाती भी है, देखो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। एक्जिमा, स्किन की प्रॉब्लम है, गाउट, हड्डियों की दिक्कत, डायरिया से हेल्प करती है, हार्ट प्रॉब्लम में काम आती है, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में काम आती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना मतलब बढ़ाती है, ऑल्सो इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इसको भी इम्प्रूव करती है, हेल्प कंट्रोल डायबिटीज, डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है देख सकते हैं, ज़्यादातर इसके अंदर क्या विटामिन पाए जा रहे हैं ये, तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो इस तरीके से ये चार एंजाइम्स
जिनको तुम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है और याद करना है, ठीक है ना। याद करने का एक ही तरीका है, रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो दोबारा में उसका रिवीजन होता है। जो चीज़ अगर आज लेक्चर देख लिया तो शाम को एक बार ही तीन चीज़ें पक्के से रिवाइज कर लो, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेप्यूटिक एफिकेसी। ये तीन चीज़ें तुम लोगों को पक्के से याद करनी है, क्लियर है। तो पढ़ाई करोगे, बोलो यस सर, हाँ सुन लिया, ठीक है। ऑल द बेस्ट।